ये होगा 1500 की रेंज में गिटार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ दरियागंज गिटार्स की वीडियो बनाने। बहुत सारी डिमांड आती, जो मेरा पहला चैनल था बहुत लोगों ने कमेंट करे थे कि भाई इस चैनल पे गिटार्स की वीडियो बनाओ, सन्नी म्यूजिकल जो कि पड़ता है दरियागंज में, तो वहाँ चल के वीडियो बनाते हैं और आप सबको दिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गिटार, नई नई वैरायटी आई है गिटार की, अब तो बहुत टाइम हो गया हमें वाली वीडियो बनाए, तो चलते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, रेड कलर के बटन तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम का मेरा यार यूज़र नेम आ रहा होता है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो, जो मैं नए नए अपडेट देता रहता हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे सीधा। हाँ तो मैं आ गया हूँ शॉप पर। तो भाई है ये अपने भाई, तो भाई नाम संजय भाई। संजय भाई सबको पता है यार, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी इन्होंने, संजय भाई इनका नाम है। तो ये आज हमें इन सारी गिटार्स की देख सकते हैं, अभी जितने भी गिटार्स हैं ये दिखाएंगे, डिटेल देंगे हमें। तो सबसे पहले भाई आपसे ये पूछता हूँ कि आप कितने ईयर से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? भैया 7 से 8 साल हो गए मेरे को यहाँ पर जॉब कर। 7 से 8 साल से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो यार इन्हें अच्छी खासी एक्सपीरियंस होगा गिटार्स के बारे में कि क्या लेना चाहिए बिगिनर्स के लिए। तो भाई क्या सजेस्ट करते हैं आप बिगिनर्स के लिए? सर अगर बिगनर स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग गिटार आपने इंडियन गिटारों से शुरू होती है स्टार्टिंग, ठीक है? अच्छा, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा यहाँ पे गिटार्स का? 1500 से स्टार्टिंग है भैया, 1500 रुपये से स्टार्टिंग। ये होगा 1500 की रेंज में गिटार। तो भाई ठीक है, सन्नी म्यूजिकल का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई अब दिखा रहे हैं यहाँ पे अपनी वैरायटीज और गिटार की क्या क्या बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। तो भाई दिखाओ गिटार। ये देख लो भैया स्टार्टिंग गिटार है हमारे पास जी। क्या रेंज होगी इसकी? ये 1500 से स्टार्ट है भैया। 1500 से स्टार्ट है यार, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यार इसके साउंड एक बार चेक करवा दो। तो भाई अच्छा लग रहा है कलर, इसमें कलर मिल जाते हैं? जी भैया कलर मिल जाते हैं, कलर मिल जाते हैं। तो यार इससे थोड़ा अगर ऊपर जाए गिटार में 1500 से अपर तो क्या होगा? मैं दिखा देता हूँ। ये होगा इंडियन गिटार है, कलकत्ता मेड गिटार है, 1 साल की इसकी वारंटी है, और इसकी जो चाबियाँ हैं वो खुली हुई है। मैं आपको सब चीज़ बता के वो चलता हूँ। इसकी जो चाबियाँ हैं वो खुली हुई है और 1 साल की इस गिटार की वारंटी है। 1 साल की? बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है तो इससे भी कर सकता है, और जो मैंने अभी 1500 वाला गिटार दिखाया था उससे भी स्टार्टिंग कर सकता है। प्राइस अगर इसमें देखें तो कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? ये आपका 2 से 3 तक की रेंज में मिल जाते हैं। अच्छा, 2000 से 3000 तक की रेंज में मिल जाता है। और अगर इसमें कलर की बात करें तो कलर डिफरेंस? हाँ कलर डिफरेंस मिल जाते हैं। और जो इसका ब्रांड है वो सिग्नेचर ब्रांड है, ये कलकत्ता का ब्रांड है। भैया इसमें रॉड तो है बट लेकिन जो रॉड होनी चाहिए ना वो रॉड नहीं है इसके अंदर। अच्छा। इसमें इंडियन रॉड लगी हुई है। इंडियन रॉड? हाँ, जिसकी वजह इसमें एक दो बार इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम गिटार को जी? जैसे कि अगर ये बैंड हो गया हम एक दो बार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब लाइफ लॉन्ग गिटार नहीं है ये, 1-2 साल सीखने के बाद चेंज करना पड़ेगा ये गिटार। अच्छा, और ये उसमें कनेक्ट हो जाता है? हाँ स्पीकर में अटैच हो जाता है। अच्छा स्पीकर में जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पीकर में अटैच हो जाता है। ये कलर से अलग अलग मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा गिटार लग रहा है यहाँ पे, और कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो पसंद होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कवर्ड नहीं है चाबी, बताया भाई ने, और रॉड के बारे में बताया। तो यार रेंज भी बता दी, 2000 से 3000 के बीच में ये गिटार आ जाता है यहाँ पे। तो भाई अगले गिटार की बात करते हैं। अब मैं जो गिटार आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें आपका इम्पोर्टेड टेस्ट रॉड डली हुई है, जिससे गिटार की लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा बढ़ जाती है लाइफ, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलेगा, मतलब 4-5 साल चेंज ही नहीं करना पड़ेगा गिटार, ऐसा गिटार है। इसकी खासियत भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल की तो हम इसकी वारंटी देते हैं, कोई भी मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, जॉइंट खुल जाते हैं या बैंड हो जाता है या ब्रिज उखड़ जाता है, सब चीज़ की आपको वारंटी है, 2 साल तक आपके पैसे सेफ हैं ये समझ लो। इसमें मैं खासियत दिखा देता हूँ क्या खासियत इसमें। प्लस ये आपकी जो देख रहे हो चाबियाँ कवर्ड है,
जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। अगर वो खुली चाबी थी उसमें डस्ट जाएगा तो ख़राब हो सकती थी। प्लस इसमें इम्पोर्टेड टेस्ट रॉड है जो हमने बाहर से मंगवा कर इसमें डलवाई है, जिससे कभी ये बैंड हो जाता है तो इसको हम जितना मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी। हाँ इसके जो हाँ दो से तीन में, क्योंकि वो फ्री हो जाती है रोड, कैपेसिटी नहीं है उसकी, ज़्यादा घूम नहीं सकती वो। इसकी इतनी कैपेसिटी, इसको जितना मर्जी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर साउंड ख़राब हो रहा है तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं जीडार में। अच्छा, और साउंड भी अच्छा है, कलर मिल जाते हैं, सब कुछ स्पीकर से अटैच। सब 2 साल की वारंटी मिलेगी यहाँ पे। तो भाई ऐसे थोड़ा बजा के दिखा दो एक बार। ठीक है भैया, मैं जो गिटार आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेड गिटार है, वो आपका वन टाइम गिटार हो जाता है, बिगनर बच्चा भी उसको यूज़ कर सकता है उस गिटार को। ये गिटार होगा भैया, कलर तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, यहाँ पे ब्लैक और येलो देख सकते हैं। तो अगर इसके हम बात करें उसकी ट्यूनिंग की या उसके रॉड की जो होती है तो वो क्या होगी इसकी? मैं आपको खास है भाई, इसकी जो वारंटी है वो 3 साल है। अच्छा, वारंटी 1 साल और बढ़ गई। इम्पोर्टेड है। अच्छा हाँ, इसकी जो वुड है ना काफ़ी सीजन होती है, जिसके अगर ये बैंड वगैरह भी हो जाते हैं फिर भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हद तक भी हो जाएंगे उसके बाद भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इसकी चाबियाँ भी डाई कास्टिंग है, इसमें कलर वेरिएशन भी मिल जाएंगे, अगर कलर वगैरह भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे। और इसमें आपका पिकअप का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अच्छे गिटार जो यामा वगैरह के गिटार होते हैं तो उनमें नहीं आता ये सब, आप अलग से लगवा सकते हैं इसके अंदर पिकअप। अच्छा, लग जाता है? लग जाता। बाकी टेस्ट रॉड वगैरह सब है इसमें। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट गिटार दिखाता हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेड गिटार आपके 3500 से 5-5.5 तक के रेंज में मिल जाते हैं। 5-5.5 हज़ार तक की रेंज में हाँ। जाते हैं इंपोर्टेड। और भी रेंज आती है 7-8, मतलब बिगनर लेवल के लिए। बिगनर्स के लिए सही होता है वो। ये देख लीजिए भैया, क्रूसेडर कंपनी का गिटार है। इस गिटार की मैं खासियत आपको बता देता हूँ, ये फ्रांस की कंपनी है, 3 साल की वारंटी है इस गिटार की। और आप इसका मॉडल नंबर CF6000 इसका मॉडल नंबर है, आप गूगल पे हर जगह जाकर आप इस गिटार को देख सकते हो। इसमें एक खासियत और मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर खासियत है इसमें जो डॉट आप देख रहे हो ये वुडन में है, सब में प्लास्टिक के डॉट आते हैं, इसके अंदर वुडन के डॉट हैं। और एक ब्रांड है, जैसे यामा वगैरह होते हैं ना वैसे एक ब्रांड है, 1989 की कंपनी है ये, अभी इंडिया में नहीं आई है। कलर इसमें अलग मिल जाएंगे जो अभी मैंने आपको नहीं सर, वो माइक वो भी नहीं है। अच्छा। मैंने आपको पहले भी बताया था जो अच्छे गिटार होते हैं उनमें नहीं आता, बट लग जाता है, लग जाता है। अच्छा। हाँ, इसकी 3 साल की वारंटी है, बाकी इसकी चाबियों की भी वारंटी है इस गिटार की। अच्छा। चाबी वगैरह भी ख़राब हो जाती है वो भी आपकी फ्री में ठीक होगी। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, जॉइंट खुल जाते हैं या बैंड वगैरह हो जाता है, सब कुछ फ्री में होगा। जैसे कि अगर किसी बंदे को अगर हमारे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, अगर कोई टीचर रेफ़र करता है या रिकमेंड करता है कोई गिटार, अगर हमारी दुकान से कोई गिटार परचेज़ करता है वो 1 हफ्ते में उस गिटार को अगर कोई इशू आता है तो चेंज कर सकता है। अब मैं इसका आपको साउंड सुना देता हूँ, कैसा साउंड है, साउंड भी इसका बेस्ट है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर थोड़ा सा जैसे अभी मैंने आपको साइनिंग में गिटार दिखाया था क्राफ्टर कंपनी का, उसमें और इसमें थोड़ा सा साउंड का फ़र्क है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये ऊपर रेंज है थोड़ा सा, इसका साउंड बहुत अच्छा साउंड है इसका, क्योंकि इसलिए साउंड अच्छा है ये पूरा तो पहली बार तो मैट में है, इसकी जो वुड है काफ़ी सीजन हो चुकी है, इसलिए इसका साउंड बहुत बेस्ट आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा गिटार होने वाला है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई ने साउंड करके दिखाया। और कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, कलर तो अपने जो आपको पसंद हो वो मिल जाएगा इस शॉप पे। 4 कलर्स हैं इसमें, 4 कलर। ये क्रूसेडर का गिटार है भैया, जो अभी मैंने दिखा दिया, जो ऊपर मॉडल है उसका।
ये जंबो गिटार इसको बोलते हैं। अगर बंदा प्रोफेशनल बजाता है तो ये जंबो गिटार ले सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल लेवल पे अगर बंदा बजाना चाहता है तो ये वाला ले सकता है। इसमें भी कलर मिल जाते हैं, इसमें भी कलर मिल जाते हैं और यामा वगैरह को भी ये टक्कर देते हैं। तो भाई अपने हिसाब से बताओ कौन सा बेस्ट साउंड करता है इस कंपनी का गिटार? भैया वो तो सुनकर ही पता चलता है गिटार के, कि गिटार के अंदर साउंड कैसा है। और मैन तो वुड क्वालिटी का मैटर करती है, और वारंटी बंदा कितनी साल की वारंटी दे रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा। अगर वो गिटार की वारंटी कम दे रहा है तो समझो गिटार में कुछ ना कुछ रीज़न है या कुछ कमी है गिटार में, इसलिए वो आपको कम वारंटी दे रहा है। पहली बार तो सबसे कोई भी कंपनी का गिटार लो या 20,000 वाला लो या 25,000 वाला, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। साउंड मैटर करता है कि इस गिटार का साउंड अच्छा होना चाहिए। साउंड करके दिखा दो आपको 4,500, 3,000, 3,500 में भी अच्छे साउंड वाले गिटार मिल जाते हैं। सेम ही है भैया, बस इसमें खासियत ये है कि ये थोड़ा सा जंबो गिटार है और इसके अंदर बेस थोड़ा सा ज़्यादा आता है। अच्छा। हाँ, जो मीडियम गिटार आपको दिखाया था वो 40 इंचेस था, ये 41 इंचेस है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर बेस ज़्यादा है, इसकी भी वारंटी 3 साल है। आजकल जो छोटे से बच्चे हैं उनके लिए भी गिटार चाहिए होते हैं, तो मैं आपको छोटे बच्चों के लिए भी गिटार दिखा देता हूँ। जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं या 8-9 साल के बच्चे हैं, तो ये वो बच्चे इसे यूज़ कर सकते हैं इस गिटार को। और इसकी भी 2 साल की वारंटी है, ये इम्पोर्टेड गिटार है। वैसे जो बेबी गिटार हैं वो हमारे पास 1700 से स्टार्ट होते हैं, बाकी कितनी भी रेंज तक आप जा सकते हो अगर अच्छे गिटार लेते हो। वैसे तो 1200-1300 में भी मिल जाते हैं गिटार, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये इम्पोर्टेड गिटार है, इंडियन गिटार भी आते हैं, सुना देता हूँ कैसा साउंड है। बाकी इसकी भी डाई कास्ट, ये इम्पोर्टेड गिटार है तो इसकी भी चाबियाँ दिखा देता हूँ। डाई कास्टिंग चाबियाँ हैं इसकी, इसमें भी ट्रस्ट ऑर्ड है। जो इन बेबी गिटार जो होते हैं ना उसमें टस्ट ऑर्ड नहीं आती है, जो इंडियन होते हैं। ये इम्पोर्टेड है तो इसके अंदर टस्ट ऑर्ड है कि बच्चा कम से कम 4-5 साल तक बजा सके। तो ये भाई ये क्या है भैया? ये जो है ये यूकेलेले बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, ये इंग्लिश सॉन्गों के लिए आजकल अपने इंडिया में काफ़ी क्रेज़ आ गया है इसका, बहुत ज़्यादा। मतलब गिटार से गिटार और ये दोनों बराबरी पे चल रहे हैं आजकल। अच्छा, बराबरी चल रही है। हाँ, काफ़ी अच्छा है ये। आप ट्रेवल्स में कहीं जाते हो तो आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, गिटार को थोड़ी ना कैरी करके ले जा सकते हो। ये बेस्ट है मतलब, और 2000 से 3000 की रेंज में भी मिल जाता है ये। हाँ, हाँ, लेकिन अगर स्टार्टिंग कर रहा है या वैसे प्रोफेशनल जो है कहीं कोई भी मतलब इसे बजा सकता है, बच्चा भी बजा सकता है। ये नहीं कि बड़े ही से बजाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी बजा सकता है इसे, जो बंदे प्रोफेशनल बजाते हैं वो भी बजा सकते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो भी बजा सकते हैं। मतलब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसे बजाना। 4 स्ट्रिंग का है ये, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। गिटार में बस 6 होती हैं, इसमें 4 हैं, इसके कोड अलग हैं, बस यही फ़र्क है थोड़ा सा। और बाकी इम्पोर्टेड है ये, 2000 से 3000 की रेंज में मिल जाते हैं। चाबी अभी इसकी डाई कास्टिंग है।